ये रिवायत साबित है जी। शायद मेरा टॉपिक से हटकर सवाल है, ये जो वैलेंटाइन डे है इसके अंदर बहुत से नौजवान मुस्लिम और लड़कियां लड़के दोनों की मिलोपिस हो रहा है, नई नई चीज तैयार करके उसका मनाया जा रहा है, तो उनको किस तरह से बताया जाएगी जी। भाई ने एक सवाल किया कि वैलेंटाइन डे के ताल्लुक से, कि वैलेंटाइन डे जो आजकल नौजवान लड़के लड़कियां जो है मनाते हैं, नौजवान ही बोलना गलत हो जाएगा, ठीक, सभी मुलविस है, बूढ़ों को भी देखा जाता है, तो बहरहाल नौजवान बूढ़े बच्चे लड़के लड़कियां जो इसमें मुलविस है और इसको बड़े धड़ल्ले से और शौक़ से और ज़ौक़ से और अहतमाम से लोग मनाते हैं, ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है, तो बहरहाल थोड़ी सी रोशनी इसके ऊपर डाल देता हूँ। वैलेंटाइन डे या यौम आशिकी जिसको कहेंगे आम जबान में, या लवर्स डे जिसको लोग आम जबान में कहते हैं, मैं इसको अपनी जबान में ये कहता हूँ कि जो साल भर मोहब्बत नहीं करते ना, तो वो एक दिन मनाते मोहब्बत के लिए, मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, ये डे वो डे, हाँ, तो वैलेंटाइन डे उसमें, चिल्ड्रंस डे, क्यों, तो ये साल भर नहीं मनाते हैं ना, तो एक दिन कम अज़ कम जिसको बोलते हैं ना वो अकीदतन एक पेश कर देना, खराज अकीदत जिसको बोलते हैं ना, वो पेश कर देने के लिए लोग ऐसा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वैलेंटाइन डे इस्लामी शरीयत में या मुसलमान का मनाना, किसी भी लिहाज से इसमें शामिल होना, तमाम की तमाम चीज़ें हराम है, तमाम की तमाम हराम है। वैलेंटाइन डे के पीछे जो हकीकत आती है वो ये पता चलता है हमें कि रूमियों में एक अमल था जो तीसरी सदी में एक अमल था, मतलब आज से 1700 साल पहले हम आम जबान में कहेंगे, उनके पास जब रूमी हुकूमत अभी ईसाई नहीं बनी थी, ये रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर ने जब क्रिश्चियनिटी को कबूल किया, इख्तियार किया, तो बेजेंटीन एम्पायर कहलाया उसके बाद, बेजेंटीनी एम्पायर, तो जब वो रूमी हुकूमत थी तो 1700 साल पहले उनके पास एक तरीका था कि फरवरी के बीच में, जो कि उनके पास सर्द होता था मामला और फसलें आ जाती थी, तो 15 फरवरी को, मतलब फरवरी का मिडिल जो होता, 15 फरवरी को वो एक दिन मनाते और उसको कहते हैं स्पिरिचुअल लव डे होता था, कि अपने माबूदों से, खुदाओं से रूहानी मोहब्बत का वो इज़हार करते थे, तो ये एक बताया जाता है, ये मनाया जाता है। उसके बाद हुआ यूँ कि एक वाक़ आता है कि क्लाउडियस टू बोलकर एक बादशाह गुजरा है, यूनानी एक बादशाह था, उसका नाम क्लाउडियस था, द्वितीय जिसको बोलेंगे, सेकंड नंबर का था वो, 270 या उसके आसपास जो है वो जो है सीई जिसको बोलेंगे क्रिश्चियन एरा में जो रहा, ईसवी जिसको कहते हैं, तो उसके दौर में ये हुआ कि अभी जो है ईसाई तबलीग वहाँ शुरू हुई थी, और एक सेंट जिसको कहा जाता है कैथोलिक एक शख्स था ईसाई, जो रोम पहुँचा और उसने वहाँ जो है छुपकर ईसाइत की तबलीग शुरू की। उसी दौरान यह हुआ कि क्लॉडियस ने एक हुक्म पास किया, एक हुक्म जारी किया कि कोई भी इंसान जो फौज में जाता है शादी नहीं करेगा। क्यों शादी नहीं करेगा? इसलिए अगर तुम फौज में जाकर शादी करके जाओगे तो फिर तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब तुम बार बार बीवी की याद आएंगी तो जंग बराबर नहीं लड़ोगे, तो वापस आते रहोगे, तो उसने कहा शादी नहीं करेगा, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन को आम कर दिया, लेकिन मैरिज नहीं था उनके पास अलाउड, ठीक, तो कहा कोई शादी नहीं करेगा। तो ये वैलेंटाइन जो कहा जाता है, इसकी हकीकत मुझे नहीं पता, कुछ भी हिस्टोरिकली फिगर्स नहीं है, तो ये वैलेंटाइन जो शख्स रूम में रहता था, इसने क्या किया, छुपके लोगों की शादियां करवाना शुरू कर दी। ऐसा फौजी आता तो किसी एक से रिश्ता जमा देता, शादी कर देता, कोई आता शादी कर देता। जब ये बादशाह को पता चला कि इसने ये काम किया, तो बादशाह ने उठा के अंदर जेल में डाल दिया और सजाए मौत सुना दी उसको, कि इसने बादशाह के खिलाफ काम किया ना। उसी दौरान एक वाक़ आता है कि जब वो वैलेंटाइन जेल में गए तो वो ईसाई थे, हालांकि ईसाई में रहबानियत शादी नहीं कर सकते, उनको मोहब्बत होगी जेलर की बेटी से, ठीक है, वो उस पर आशिक हो गए, उनकी मोहब्बत चली, अब लोगों को बता नहीं सकते थे कि है। बादशाह ने कहा कि देखो वैलेंटाइन अगर तुम मतलब ये चीज़ से तौबा कर लेते हो, आइंदा ये चीज़ ना करोगे, इसका इकरार करते हो और ईसाइत को छोड़ देते हो, तो मैं तुमको जो है अपना ख़ास दामाद बना लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और तुम जो है ये कर लो, तो उन्होंने उसका इनकार किया, जिसके वजह से उनको 270, मतलब बताया था ईस्वी में उस शख्स को, वैलेंटाइन को, हिस्टोरिकल तो नहीं लेकिन बताया जाता है, एक्सिक्यूट कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। जिस दिन वो मरा, तो इत्तेफाक से वो 14 फरवरी की रात थी, मतलब 15 शुरू हो चुकी थी, तो वैसे भी रूमी पहले से उस दिन को क्या मनाते थे, उस दिन को यौम मोहब्बत था, वो था स्पिरिचुअल लव, रूहानी मोहब्बत अपने माबूदों से। उसके बाद जब रूमी हुकूमत बजंतीनी हुकूमत कहलाई, मतलब जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ईसाई बन गए, तो तब उन्होंने क्या किया मालूम उसको, कि उस दिन को चूंकि वो पहले से भी एक दिन था मोहब्बत का उस दिन, तो कहा ये सेंट लव डे, मतलब अपने क्या बोलेंगे वलियों से मोहब्बत का दिन उन्होंने बना दिया। उस 15 को पहले से था वो माबूदों से मोहब्बत का दिन, फिर बनाया उसको वलियों से मोहब्बत का दिन। उसके बाद के अदवार में ये होता कि वो रूमी लोग
उस दिन जो 15 होता उस दिन चिट्ठियां डालते, मतलब मर्द आते, लड़कियां आती, नौजवान लड़के लड़कियां जो चाहते हैं उनकी शादी हो, और वो चिट्ठियां डालते। अब इधर का मर्द आके चिट्ठियां उठाता, जिस औरत का नाम निकाह, वो औरत उसके साथ 1 साल रहती, शादी 1 साल बाद होंगी, मतलब अगली फरवरी को 15 को होंगी, माफ़ करना 14 को होंगी, अगली जो है वो वैलेंटाइन डे, माफ़ करना 14 को होता है, अगली 14 को वो होगा, तो 14 को जो है, और वो फरवरी का बीच 14 को ही आता है, 15 को नहीं आता, माफ़ करना, ठीक। तो 14 को जो है, अगली 14 जब आएंगी तो उस 14 को वो क्या करेंगे, फिर चाहे तो शादी करेंगे, मतलब 1 साल एक दूसरे को आजमा लेंगे वो कि हम साथ रह सकते नहीं रह सकते, क्या मामला है। फिर अगले 1 साल बाद वो तय करेंगे निकाह करना है नहीं करना है, 1 साल तक वो साथ रह सकते। जब क्रिश्चियनिटी वहाँ इन्होंने देखा कि ये तो बहुत बेहाई फैल रही है, कि तो ईसाइत में भी ऐसे तो अलाउड नहीं है कि कोई जिना करे, शादी 1 साल बाद होंगी, तो उन्होंने इसको मना कर दिया, बैन कर दिया। तो क्रिश्चियनिटी ने, चर्च ने इसको बैन कर दिया। तो ये बैन रहा, फिर 17वीं सदी में यूरोप में जागना शुरू हुआ, जब कुछ किताबें लिखी गई, वैलेंटाइन कार्ड बांटना शुरू हुए, और 14 को हुआ, तो 17वीं सदी से फिर और 18वीं सदी आते आते तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला या चीज़ों को फरोख्त करने वाला दिन बन गया, बूम हो गया, ये मार्केट सबसे बड़ा, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तोहफे तहफ़। फिर ये निकल के आ गया मोहब्बत का दिन कहलाया, मोहब्बत का दिन, ठीक। मोहब्बत के दिन क्या, माँ से मोहब्बत का इजहार करो, इसलिए कि वैलेंटाइन एक अच्छा शख्स था, शादियाँ करा, बीवी से मोहब्बत का इजहार करो, बेटे से मोहब्बत का इजहार करे बाप, बहनों से मोहब्बत का इजहार करे भाई, तो यौम मोहब्बत बन गया। अब यौम मोहब्बत से हटकर 21वीं सदी में ये यौम आशिकी बन गया। मोहब्बत एक अलग चीज़ होती, माँ बाप से मोहब्बत होती, बहन, अब यौम आशिकी है, मतलब आशिकी मतलब जो दो लोग जिनके निकाह नहीं हुए, इस दिन अपने आप को बताते हैं, प्रपोज करते हैं, साथ रहने करते हैं, और एक लाल गुलाब ले जाकर देते हैं, ठीक है, और मतलब समझ रहे ना बात। तो ये एक दिन की मोहब्बत होती है, वन डे लव जो होता है, ये 14 को होता है, और पूरे दुनिया में, आलम में लोग एक दूसरे को फूल देते हैं, तो इसको यौम आशिकी मनाया जाता है। याद रखिए, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो कोई आदमी ये सोच सकता है, क्या इस्लाम मोहब्बत के ख़िलाफ़ है? इस्लाम मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं, इस्लाम मोहब्बत के इस तरीक़े के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में मोहब्बत की हकीकत है, इसलिए कि मोहब्बत इंसानी फितरत है, मोहब्बत इंसानी फितरत का एक जज्बा है, और इस्लाम जज्बात की बड़ी क़दर करता है, और मोहब्बत की हकीकत है इस्लाम में, ठीक। एक मरतबा का वाक़िया है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मोहब्बत की कैसी हकीकत है इस्लाम में, और इस्लाम ने उसको कबूल किया उस मोहब्बत को, लेकिन मोहब्बत राइट डायरेक्शन में हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक बार देखता हूँ कि मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हु, ये ग़ुलाम थे, और इनका निकाह नहीं ये बरीरा के साथ आए थे, मतलब उनकी बीवी बरीरा थी, ठीक। हुआ ये कि बरीरा को जो है आज़ाद कर दिया उनके मालिक ने, जब वो आज़ाद हुई तो अब उनको इख्तियार था कि मुगीस के साथ कंटिन्यू करे रिलेशन या ख़त्म कर दे। तो बरीरा ने किया कि चूँकि वो आज़ाद थी, मुगीस ग़ुलाम थे रज़ी अल्लाह अन्हु, तो कहा मैं तुमको छोड़ती हूँ। अब मुगीस इतने सालों तक बरीरा के साथ थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मुझे मुगीस का चेहरा आज भी याद है, वो सड़कों पर रोते घूम रहे थे और उनके आंसू जा रहे थे, जिस उनकी दाढ़ी आंसू से तर थी, कि अब बरीरा मेरे साथ नहीं रहेंगी, उसने इनकार कर दिया मेरा, कोई तो है जो बरीरा को मेरे पास ला दे। ये बात किसी ने जाकर अल्लाह के रसूल, मुगीस इतने परेशान हैं बरीरा के मोहब्बत में, ज़ाहिर सी साथ है इतने ज़माने, लेकिन अब बरीरा आज़ाद है और इख्तियार है आज़ाद औरत को कि ग़ुलाम के साथ रहना चाहे रहे या छोड़ दें, और बरीरा ने छोड़ दिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुगीस रज़ी अल्लाहु अन्हु के तरफ से बरीरा के पास गए और कहा, बरीरा तो मुगीस के साथ वापस कंटिन्यू क्यों नहीं रहती हो? मतलब तो बरीरा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हुक्म है या मशवरा है? आप जो कह रहे हैं कंटिन्यू करो रिलेशन, हुक्म है या मशवरा है? तो आपसे मैंने कहा मेरा मशवरा, तो कहा मशवरा है तो मैं कबूल नहीं करने वाली, हुक्म है तो मैं रह लूँगी, तो कहा हुक्म तो नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि तुम आज़ाद हो। और बरीरा ने उसका इनकार कर दिया, और मुगीस कई ज़माने तक रोते रहे, लेकिन मुगीस यकीनन पागल नहीं थे कि बरीरा ना मिले तो ख़ुदकुशी कर ले, लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत इस्लाम ने उस मोहब्बत को कबूल किया, खुद रसूलुल्लाह वसीला बनकर गए, ठीक है। लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ही नहीं दो लोग इश्क कर रहे और आप जाके वसीले बनेंगे, यहाँ वो नहीं, ये पहले से साथ थे, ये ग़ुलामी में दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, आज़ादी के बाद चूँकि निकाह टूट जाता है ग़ुलामों का, समझ रहे हैं आप, इस वजह से मसला था ये। जैसा कि आज के दौर में हो सकता है कि एक मियाँ और एक बीवी थी, गलत तलाक हो गई, अब दोनों मिलना चाह रहे तो ज़ाहिर सी मोहब्बत तो बाकी थी ना दोनों, एक तलाक हुई, शरी तलाक हुई, मिलना चाह रहे तो मिला दे, कोई जितना करे बीच में, ये सब हो सकता है, ये बिल्कुल वो था, ठीक। तो बहरहाल आपने उनको मिला दिया। तो इस्लाम सही मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं, मोहब्बत तो इस्लाम में है, ये फितरत है, इस्लाम फितरत को और इस्लाम फितरी दीन है कबूल करता है, लेकिन ये यौम आशिकी एक दिन की मोहब्बत, उसके बाद तो दिखते भी नहीं साल भर, या 1 साल के बाद देखिए जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अगले साल फिर नई लड़की और नए लड़के के साथ लड़की है, क्यों, वो 1 साल भी नहीं जमती,
आप बात समझ रहे हैं? तो ये देखिए, ये एक अजीब चीज़ है और पता नहीं है क्या इसका मामला है। और जब हम कॉलेज में थे तो बड़ा क्या होता, नौजवान कुछ भी कहीं कहीं दिमाग लड़ाते, तो हम दिमाग लड़ाया करते थे। देखो, 14th of February वैलेंटाइन डे है और 14th of November चिल्ड्रंस डे, दोनों में कितने महीने का डिफरेंस है देखो आप, गिनो। एग्जैक्टली 9 months। 14th February, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, ठीक है? तो बहरहाल हो सकता है ये तयशुदा नहीं होगा, गलती से हो गया ऐसा कोइंसिडेंस होगा कि दो चीज़ें ऐसे इंडिया में हो गई एक साथ, कि 14 को ये और चिल्ड्रंस डे, मतलब देखिए ना कि कोई गलत कार्य करे तो 40 बराबर 9 मंथ्स के अंदर उसको कहीं ना कहीं 8-9 मंथ्स में उसको। बहरहाल खैर, तो ये सब जो है फहाशी है, बुराई है, और इससे कल्चर और समाज बर्बाद हो रहे हैं। अगर कि इंडियन कल्चर ख़ास तौर से, यहाँ मैरिज का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। यहाँ का हिंदू भी मैरिज करता है, बुद्ध भी मैरिज करता है, सिख भी मैरिज करता है, और जो है जैन भी करता है, मुसलमान भी करता है, ईसाई भी करता है। एक सिस्टम है इंटैक्ट इनके पास मैरिज का। ये वैलेंटाइन डे इस मैरिज के सिस्टम को और मोहब्बत की हकीकत को ख़त्म करके एक ऐसी मोहब्बत लोगों में ला रहा है जो मोहब्बत नहीं है। उसको बोलते हैं लस्ट, उसको बोलते हैं, जिसको कहेंगे हवस बोलते हैं उसको, तो वो हवस की तरफ है। तो ये वैलेंटाइन डे जो आप मनाया जा रहा है, हकीकी मोहब्बत नहीं, हवस है। हकीकी महबूब तो वो होता है इंसान का कि दुनिया और आखिरत की सोचे इंसान की, ऐसा इंसान से वो जुड़े कि दुनिया भी साथ गुजारे और मरने के बाद वहाँ भी वो, है ना? लेकिन ये तो हवस है कि एक 14 को आप दो लोग साथ है, अगले 14 को दोनों दोनों अलग दो लोगों के साथ है, फिर अगली 14 को और दो लोगों के साथ है। भाई क्या है, हर साल हमारी मोहब्बत रिवाइव होती है, जैसा लाइसेंस रिवाइव होता है, अभी इसके साथ तो कभी उसके साथ तो कभी उसके साथ। तो ये यौम आशिकी है, यौम मोहब्बत बोलना इसको दुरुस्त नहीं है, ये आशिकों का दिन है। तो ये शरीयत में ऐसी आशिकी की कोई गुंजाइश नहीं है, हालांकि इश्क मोहब्बत का एक ऊँचा दर्जा है इस्लाम में। इसलिए कि मोहब्बत के लिए अरबी में कई लफ्ज़ है, उल्फत है, मोहब्बत है, इश्क है, वदूद है, और कई मतलब बहुत अल्फाज है, मोर देन मैं समझता हूँ 40-50 वर्ड्स यूज़ होते हैं अरबी में जो मोहब्बत को डिस्क्राइब करने के, अलग अलग मोहब्बत, उनसियत है, उनसिया, ठीक। तो ये सब मोहब्बत के लिए अलग अलग मोहब्बत की कैफियतों को। तो इश्क जो होता है ना, एक मोहब्बत का ऊँचा दर्जा है, ये भी याद रखिए, इसको भी इस्लाम मानता है इस चीज़ को, ठीक। लेकिन वो डायरेक्शन राइट हो, उसका सही उसमें हो, ना कि इस तरह। तो 14 को जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये शरीयतन गलत है, इसमें जो कुछ होता है वह हरामकारी है, और ये दुरुस्त नहीं होगा। आपको कहने मैं यूं ही अपने बीवी से ही मोहब्बत का इजहार करूं, तो इस दिन का इंतखाब करके इजहार करना ये भी हराम होगा। इसलिए कि ये दिन किसने आपको, शरीयत ने दिया 14th of February ये मोहब्बत का दिन है? नहीं, शरीयत ने सिर्फ 2 ईदें दी, इसके अलावा कोई त्यौहार नहीं दिया। तो लिहाजा आप बीवी से रोज़ इजहार कीजिए ना, उसमें क्या अमानियत है क्या? रोज़ कीजिए ना, एक दिन आप तय क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप रस्मी तौर से भी नहीं, आप सब करते तो मैं कर लूँ, तो भी शरीयत इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इसमें पार्ट लेना, इसमें हिस्सा लेना, इन तमाम रसूमात में जाना, यानी सिवे गुलाब मैं दे रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें हराम है, शरीयत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इसमें जाता है तो वो उस हदीस के तहत आएगा, मन अमल अमल लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि हाँ अगर कोई काम, कोई शख्स ऐसा काम करे जिसका हमने उसको हुक्म नहीं दिया, तो वो क़यामतीन मर्दूद है, वो रद्द कर दिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान कुरान में कर दिया कि इस्लाम जो है मुकम्मल हो चुका है, याद रखिए, ठीक। अब जब इस्लाम मुकम्मल हो चुका है तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ अब कोई गुंजाइश नहीं रही कोई नए चीज़ के दाखिल करने की। तो लिहाजा किसी भी तरह से इस दिन को मनाना शरीयतन दुरुस्त नहीं होगा, ये हराम कारी में आएगा। नौजवानों नौजवानों के लिए बिलखसूस कि वो इन ऐसे त्यौहार से, रसूमा से, चाहे वो 14th हो या कोई और दिन हो, याद रखिए ये तमाम शरीयतन गलत है, दुरुस्त नहीं है, इनमें पार्ट लेना हराम है, ये बिदत है, ये शिर्क तक भी जा सकता है। इसलिए कि किसी की मौत के दिन आप कुछ चीज़ करें सेलिब्रेट, ये शिर्क भी हो सकता है और मुख्तलिफ इसमें खुराफात हैं। तो हमें चाहिए कि किसी भी किस्म से हम इसके अंदर ना मुलविस हो, ना इसमें हाथ डालें, ना किसी किसी भी किस्म का पार्ट इसमें दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इससे महफूज रहने की तौफीक अता फरमाएं। जी